नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथ में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है होम्योपैथिक फार्मेसी एमसीक्यू, और वही एमसीक्यू हम बताएंगे जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वन बाई वन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्लिसरीन इज, ऑप्शन ए है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 310 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, आंसर ए 290 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर दो, ग्लोबुल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शुगर ऑफ मिल्क, सेकंड ऑप्शन है बी मिल्क शुगर, ऑप्शन सी है प्योर केन शुगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर तीन, ड्रग पावर ऑफ द क्लास 6B इज, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/100, ऑप्शन डी है 1/1000। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर सी 1/100। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, सिटेशियम इज ए सिनोनिम ऑफ, सिटेशियम जिसका सिनोनिम क्या है, तो ऑप्शन ए ओलिव ऑयल, ऑप्शन बी है लेनोलिन, ऑप्शन सी है स्पर्मेसिटी, ऑप्शन डी है एलो पैराफिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर सी स्पर्मेसिटी। क्वेश्चन नंबर फाइव, टैबलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो टैबलेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस चीज़ से, तो ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है शुगर ऑफ मिल्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शुगर ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नो शुड वर्ड डिराइव फ्रॉम, जो नो शुड वर्ड होता है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ऑप्शन ए है ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी है लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी है अरेबिक वर्ड, ऑप्शन डी है जर्मन वर्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योरीफाइड वाटर, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योरीफाइड वाटर का कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ है, द टाइप ऑफ द प्लांट यूज फर्स्ट क्लास, तो किस टाइप के प्लांट होते हैं जो फर्स्ट क्लास में यूज किए जाते हैं, ऑप्शन ए लिस्ट जूसी प्लांट, ऑप्शन बी ड्राइड प्लांट, ऑप्शन सी मोस्ट जूसी प्लांट, ऑप्शन डी मॉडरेट जूसी प्लांट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मोस्ट जूसी प्लांट, जो सबसे ज़्यादा जूस वाले होते हैं वो प्लांट यूज किए जाते हैं क्लास फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नाइन, नारकोटिक प्लांट आर कलेक्टेड इन, जो नारकोटिक प्लांट होते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं या जो विषैले पदार्थ से बनाए जाते हैं, नारकोटिक प्लांट आर कलेक्ट कहाँ से किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए है बिफोर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग से पहले, अर्ली समर गर्मी से पहले, ऑप्शन सी आफ्टर ब्लूमिंग, ऑप्शन डी बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्लूमिंग। तो जो नारकोटिक प्लांट होते हैं वो ब्लूमिंग से पहले और ब्लूमिंग के बाद जो है कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिफोर एंड ड्यूरिंग ब्लूमिंग। क्वेश्चन नंबर टेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डिस्पेंसिंग एल्कोहल एट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिस्पेंसिंग एल्कोहल की, तो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, तो ऑप्शन ए है 0.910, ऑप्शन बी 0.840, ऑप्शन सी 0.935, ऑप्शन डी 0.74। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.935। तो दोस्तों, आपको कैसा हमारा वीडियो लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो कृपया कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।